तो मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेज एचडीएफ पर स्वागत करता हूं। अब दोस्तों मैं आपको डेली मैथ की जो क्लास होगी 12:30 बजे होगी, ठीक है, 12:30 बजे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और रीजनिंग की जो क्लास होगी वो 1 बजे होगी। रीजनिंग की क्लास कितने बजे होगी? 1 बजे। दोपहर 1 और मैथ की क्लास कितनी होगी? 12:30 बजे। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की वीडियो जो होगी 8 बजे सुबह, और एक करंट अफेयर्स रात 10 बजे विस्तार से, ठीक है। और साइंस की क्लास पीडीएफ पे 9 बजे, ठीक है। टेट की भी क्लास होगी 7 बजे, मैथ की क्लास होगी 7:30 बजे, हिंदी होगा 8 बजे, बाल विकास 8:30 बजे, पर्यावरण, ठीक है। ये सारे शेड्यूल है, ठीक है। और टिकी जीएस होगा एक, जिसमें आपको ट्रिक से कुछ जीएस बताने की कोशिश करूंगा, वो 10:30 बजे, ठीक है। इस तरह से इस आपके लिए मैं ये सारे आप 1/11/2019, ठीक है, लागू होगा, मतलब कि आज से, ठीक है, 1 तारीख से आपको 1 तारीख से डेली कम से कम 10 वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आज हम कार्य समय पर बात करते हैं। कार्य समय देखेंगे ध्यान से। जैसे कोई कहे कि मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, ये तो 10 दिन में कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1/10 भाग, मतलब उस काम का 1/10 हिस्सा एक दिन में करेगा, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 हिस्सा, ठीक है। तो इतना ही आपको समझना है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। और जो कार्य समय के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आपको, ठीक है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंतिम तक, शुरू से अंतिम तक जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हूं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो आपके तक पहुंचती रहे, ठीक है। और वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे उनको भी काफी लाभ हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, और उसी काम को बी 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए किसी काम को 10 दिन में, बी वहीं पे उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, और दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये चीज बताना है। कहने का मतलब अगर दोनों ए और बी साथ में मिलकर काम करें, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, पहले काम करके आ रहेंगे आप। देखो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा? 30। और ये जो 30 आएगा, ठीक है, ये टोटल वर्क होगा, टीडब्ल्यू, कुल काम हम मान लेते हैं, कुल काम। एक तो काम मान ही रहे हैं कि भाई एक काम है, कोई काम मान कितना ले रहे हैं हम? 30 काम मान ले, 30 काम है। इस 30 काम को ए जो है 10 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। और वहीं पे बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। इसको कहते हैं वन डे वर्क, एक दिन का कार्य। ए का एक दिन का कार्य कितना? 3। और बी का एक दिन का कार्य कितना? 2, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी वहीं पे एक दिन में 2 काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला के काम कराया जाए, दोनों लोग मिलकर काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम दोनों जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा?
पांच, इसका मतलब हो गया ए और बी एक दिन मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, पांच काम करेंगे, और हमारे पास है काम कितना, तीस। इस तीस काम को पांच की स्पीड से कितने दिन में समाप्त कर ले जाएंगे, तो छह दिन में समाप्त कर ले जाएंगे। कितने दिन में समाप्त कर ले जाएंगे, छह दिन में समाप्त कर ले जाएंगे। क्लियर। इस तरह से आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, छह दिन। कितना हो जाएगा, छह दिन, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबको समझ में आया होगा दोस्तों, समझ में आया है तो कमेंट में जरूर एक बार जय हिंद लिखिएगा, और वीडियो सब्सक्राइब ना लाइक ना किए हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। ए 10 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों लोग मिलकर काम करें, ए और बी, ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए और बी दोनों मिलकर काम करें, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बात बताना है आपको। तो पहला काम क्या करेंगे आप, ए और बी के बीच का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे कितने पे जाएगा, 3 पे, और इससे भाग देंगे कितने पे जाएगा, 1 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ए एक दिन में 3 काम करता है, और वहीं पे बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, और दोनों मिलकर अगर कहें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 और 1 ये 4, एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, और टोटल काम है कितना, 30 काम है। तो 30 में आप 4 से भाग देना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 पे 2 आ जाएगा, कितना, 7 सही, 1/2 दिन में। ये 4 जो है ना, ये ए और बी, ये ए और बी का एक दिन का काम है, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, और वहीं पे काम है कितना, 30, तो 4 के स्पीड से 30 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 7.5 दिन में खत्म। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी 12 दिन में कर लेता है, और वहीं पे सी 15 दिन में कर लेता है, और तीनों काम मिलकर करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए कितने दिन में कर लेता है, ए 10 दिन में कर लेता है और बी 12 दिन में, और वहीं पे सी 15 दिन में कर लेता है। तीनों लोग मिलकर काम करें अलग अलग, ए अलग करता है, अकेले करता है 10 दिन में, बी अकेले करे तो 12 दिन में कर लेता है, वही काम सी अकेले करे तो 15 दिन में कर लेता है। तो पूछ सवाल रहा है आपसे कि तीनों लोग मिलकर काम करें, तीनों लोग मिलकर काम करें, मतलब कि यहां पे ए बी और सी तीनों लोग मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा, 60। 10 से भाग देंगे कितने जाएगा, 6 पे, 12 से भाग देंगे कितने जाएगा, 5 पे, और 15 से भाग देंगे कितने जाएगा, 4 पे। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर काम 60 हो, टोटल टीडब्ल्यू कितना हो, 60 हो, 60 काम है, काम कितना है, 60 काम, 60 काम है, अगर 10 के ए जो है 10 दिन में करता है, इसका मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, और वहीं पे बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 4। तो 6, 4, 10, 5, 15 तीनों लोग अगर मिलके काम करते हैं, तीनों लोग मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 15 काम करते हैं, और आपके पास काम है कितना, 60, 60 काम है, तो 15 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 4 दिन। तीनों मिलकर अगर काम करें, तीनों मिलकर काम करें तो 60 काम को 15 की स्पीड से 4 दिन में कर ले जाएंगे। क्लियर, 15 की स्पीड से 4 दिन में कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास 60 काम है, तीनों लोग मिला के ए भाई 6, बी 5 और सी 4, तो 6, 4, 10, 5, 15 15 काम करते हैं तीनों मिला के, और 60 काम 15 की स्पीड से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला चौथा देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ठीक है, ए बी सी क्रमशः किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं, और तीनों मिलकर काम करें, तीनों काम को मिलकर करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तीनों मिलकर काम करें, काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखेंगे, तो तीनों का एलसीएम 60,
ठीक है, 10 से भाग देंगे 6 पे, 20 से भाग देंगे 3 पे, और 30 से भाग देंगे 2 पे। ठीक है, 6 3 9, 9 2 11, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 60। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी वहीं पे एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 2 काम करता है। तीनों अगर मिला दिया जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे, और काम टोटल है कितना आपके पास 60। 60 काम है आपके पास, 60 में 11 से भाग दे देंगे, 11 पच्चीस 55, और 5 बचेगा कितना आ जाएगा 5, सही 5 बटे 11 दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तीनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 5, सही 5 बटे 11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन 5वां है कि ए किसी काम को 15 दिन में, और बी वहीं पे कितने दिन में 12 दिन में, और सी 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, और तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तीनों मिलकर काम करें काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 12 दिन में, सी 20 दिन में कर लेता है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ये आपका TW टोटल वर्क, मान लो टोटल वर्क 60 है, एक ऐसा काम चूज करो जो सबसे भाग देने पर कट जाए। 15 भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 पे जाएगा, 12 पंचे 60, 5 पे जाएगा, 20 तीन 60, 3 पे जाएगा। ठीक है, 60 काम है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी वहीं पे एक दिन में 5 काम करता है, और सी वहीं पे एक दिन में 3 काम करता है। भाई सी एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 तीन 60, 60 काम हो जाएगा, 20 दिन करेगा 3 की स्पीड से तो, और 5 काम करेगा एक दिन में बी तो 12 पंचे 60, 12 दिन में खत्म कर ले जाएगा 5 की स्पीड से करेगा तो, और ये 4 की स्पीड से करेगा तो 60 काम 15 दिन में कर लेगा। तो अगर तीनों मिला के देखा जाए तो 5 4 9 3 12 12 दिन में, सॉरी 12 काम 12 वर्ग एक दिन में कर लेते हैं तीनों। ये जो तीनों है ना 12 काम करते हैं एक दिन में मिला के, अलग अलग 4 5 3, लेकिन अगर मिला के काम किया जाए तो 12। तो अब आपके पास तो काम 60 है, तीनों मिलके 12 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 12 की स्पीड से एक दिन में 12 काम करेंगे, 60 काम है, 60 काम को 12 की स्पीड से जब करेंगे तो 12 पंचे 60 कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा 5 दिन में। तो एबीसी 5 दिन में काम खत्म कर ले जाएंगे, एबीसी कितने दिन में काम खत्म कर ले जाएंगे 5 दिन में काम खत्म कर ले जाएंगे। ठीक है, छठवा देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है छठवा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक बार जय हिंद कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, चैनल ना सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लो, ठीक है, पक्का शेयर कर दिया करो। ठीक है, अब आपके लिए तो अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ, 12:30 बजे डेली मैथ की क्लास होगी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ लेके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, अकेले आदमी काम करता है तो 5 दिन में कर लेता है। लेकिन कह रहा है सवाल कि अपने बेटे के साथ जब करता है तो वो 3 दिन में काम खत्म कर लेता है, अकेले करते हैं तो 5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसका पुत्र आ जाता है काम करने उसके साथ आदमी के साथ, मतलब कहने का ये है तात्पर्य कि आदमी और उसका बेटा दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 3 दिन में। तो कह रहा कि उसका बेटा अकेले काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, उसका जो पुत्र है वो अकेले काम करे काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर, सवाल समझ में आ गया होगा, अकेले आदमी करता है तो 5 दिन में करता है, और बेटा और दोनों आदमी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब काम कितना मान ले हम, टोटल वर्क कितना मान लिया है 15 काम मान लिया जाए। ठीक है, ये 5 की स्पीड से करेंगे, 5 3 15 मतलब कि एक दिन में 3 काम करेगा, और ये घंटे में दिया गया है कि उसमें दिया गया है, दिन में है ना, चलो दिन में, ठीक 3 से, और 3 से करेंगे कितने पे जाएगा 5 पे। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, आदमी अकेले करता है एक दिन में 3 काम, और वहीं पे आदमी और उसका बेटा जो काम करेगा एक दिन में कितना काम करेगा 5, दोनों मिला के आदमी अकेले 3 काम करता है, और उसका बेटा और आदमी दोनों लोग जब काम पे लग जाते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। तो आदमी की जो क्षमता है वो तो 3 है ही है ना, और इसकी बेटे की क्षमता कितना बन जाएगी, तो भाई 3 इसका और 2 इसका, तब तो जाके 5 हो ना, 3 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, इसका मतलब इसके बेटे की जो क्षमता आ गई एक दिन की वो कितना आ गई 2। इसका बेटा जो है एक दिन में 2 काम करता है, कैसे पता चला, आदमी भाई 5 की स्पीड से करेगा तो उसकी क्षमता है, एक दिन में 3 काम कर लेगा, 5 दिन में खत्म कर लेगा तो 3 काम करेगा एक दिन में ना,
एक दिन में तीन काम करेगा, अगर 15 काम है तो एक दिन में तीन काम करेगा और 5 दिन में खत्म कर लेगा, 5 से 15, 15 काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उसका जो बेटा है दो काम करेगा, कैसे? तीन ये कर रहा है तो दो ये कर रहा है, क्यों क्यों पता चला मुझे? क्योंकि 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, 5 की स्पीड से करेंगे तब तो 15 काम जाके 3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो बेटा है एक दिन में कितना काम कर रहा है? दो काम कर रहा है, तो उसका बेटा 15 काम कितने दिन में करेगा? 2 के स्पीड से कर जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2 दिन में। उसका बेटा जो है, उसका बेटा एक दिन में दो काम करता है तो 15 काम 7 सही 1/2 दिन में काम खत्म कर ले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। 7वां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिन में। सेम सवाल है, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां कि ए और बी एक दिन में, मतलब किसी काम को 4 दिन में खत्म कर लेते हैं। फिर आगे दे रखा है कि यदि अकेले ए उसी को 6 दिन में करे, अकेले ए उस काम को 6 दिन में करे, ए भी मिलकर 4 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को करता है 6 दिन में, तो पूछ रहा है आपसे कि बी उस काम को कितने दिन में अकेले कर लेगा। अगर बी को अकेले करना हो तो कितने दिन में करेगा? ए अकेले उस काम को 6 दिन में कर लेता है, ए बी के साथ करता है, ए जो है बी के साथ करता है तो 4 दिन में खत्म कर लेता है, लेकिन बी अकेले काम करे उसको तो फिर कितना समय लगेगा? तो इन दोनों का एलसीएम कितना देगा? 12। मतलब कि काम अगर 12 मान लिया जाए तो 4 3 12, अगर ए करेगा, ए बी मिलकर करेंगे तो 3 काम करेंगे, और ये करेगा तो 6 2 12। अगर ए अकेले करेगा 6 दिन तक काम करेगा तो 2 की स्पीड से करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, 6 दिन में 12 काम कर ले जाएगा। लेकिन ए बी काम करते हैं तो 4 दिन में खत्म हो जाता, कहीं ना कहीं ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं ना, तब तो जाके वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ए की जो क्षमता है 2 काम करने की एक दिन में, ये तो कहीं ना कहीं बी की जो क्षमता बनी कितना बनी? एक। बी एक दिन में एक काम कर लेता है, बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? एक काम कर लेता है, तो 12 काम एक की स्पीड से करेगा तो कितना दिन करेगा? 12 दिन में काम खत्म कर लेगा, 12 दिन में काम खत्म कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। ठीक है, 8वां सवाल देखना आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए बी 12 दिन में, बी सी 8 दिन में, बी और सी 8 दिन में काम करते हैं, सी और ए ये दोनों मिलकर काम कर लेते हैं 6 दिन में, और कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए बी 12 दिन में, बी सी 8 दिन में, सी और ए मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं? 6 दिन में। तो कुछ है नहीं यार भाई, तीनों मिलकर उस काम करेंगे, बी सी ए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी को कितना समय लगता है? 12 दिन। बी और सी को 8 दिन का समय लगता है, और सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 6 दिन में कर लेते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि ए बी सी उस काम को करें, ए बी सी मिलकर, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 24। ठीक है, 12 से भाग देंगे, 12 2 24, 8 3 24 और 6 4 24। बीसी काम करता है तो 2 दिन लगते हैं उस काम, मतलब सॉरी, बीसी काम करते हैं 12 दिन लगता है, एक दिन में 2 काम करेंगे बीसी, गलती होगी थोड़ा से, ए बी 12 दिन में खत्म कर लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। बीसी 8 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कितना काम करेंगे दिन में? 3 काम। और सी ए एक दिन में 4 काम करेंगे तो 6 दिन में अगर खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करना होगा? 4 काम करना होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 9। ये 9 काम जानते हो किस कंडीशन में बना? ए धन बी धन बी धन सी धन सी धन ए बराबर कितना? 9। इस सिचुएशन में 9 दिन हुआ, तो आपका 2B है, 2A है और 2C है, ये कितना हो जाएगा आपका? 9। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए धन बी धन सी बराबर 9।
काट दो यहां से, कितना आ गया 4.5, या आप कह सकते हो 9/2। अब इसका मतलब हो गया ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/2 काम करते हैं, और काम है कितना 24। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/2 काम करते हैं। तो 9/2 से जब भाग देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 24/9 × 2। ठीक है, काट दो इसको, 3 8 24, 3 3 9, तो 8 2 16, 16/3, 3 5 15, कितना हो जाएगा 3 5 15 1, मतलब कि हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, 5 सही 1/3 दिन एबीसी अगर उस काम को करें तो 5 सही 1/3 दिन में काम को खत्म कर ले जाएंगे, 5 सही 1/3 दिन में काम को खत्म कर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद आपको नौवा क्वेश्चन पार्ट सेकंड में लेके आएंगे, पार्ट सेकंड, ठीक है, जो आपका 2 तारीख को आएगा। ठीक है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को पार्ट फर्स्ट आज से ही स्टार्ट हो रहा है। अब डेली वीडियो आपको मिलेगी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो यमके क्लासेस हिस्ट्री हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपके तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा।